उसके ऊपर आप तेल लगा लेना रोस करने के लिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बैंगन को रोस्ट करने से, तो उसको तेल लगा लेना अच्छे से। एंड चाहे तो कर्ज भी डाल सकते हो, एंड मोर ओवर यू कैन जस्ट कट इट एंड पुट ग्रीन चिल्ली एंड गार्लिक, पील गार्लिक को आप इसके अंदर ऐसे स्टफ भी कर सकते हो। मैं नॉर्मल इसको अभी रोस्ट करने वाली हूँ, आपको दिखाती हूँ। तो गाइज मैंने यहाँ पर फ्लेम को ऑन कर लिया है, इसमें तेल भी लगा लिया है। हम इसको गैस को मीडियम कर लेंगे एंड इसको ऐसे हम रोस्ट करेंगे। और जैसे जैसे ये रोस्ट होता जाएगा उसको आप टर्न करते रहना, मतलब ये सिम में आप रख सकते हो। और तब तक यू कैन चॉप योर ओनियन एंड टमाटोज, ओनियन को फाइनली चॉप करना है एंड टमाटो को भी फाइनली चॉप करना है। गार्लिक का यू कैन मेक अ पेस्ट, लेकिन मैं उसको चॉप करने वाली हूँ। एंड मिर्ची को भी मैं चॉप करने वाली हूँ। इस सब का भी आप पेस्ट बना सकते हो, बट मैं चॉप करके डालूँगी। तो गाइस ये रोस्ट हो रहा है, ऐसे ही हमें इसको अच्छे से रोस्ट करना है, सारी जगह से ऐसे पकड़ना है, वैसे रोस्ट करना है, हर एक साइड इसका अच्छे से रोस्ट होना चाहिए। और ये रोस्ट होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी, एक नाइफ लेके आप ऐसे उसको पोक करोगे तो वो अंदर चला जाएगा, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये रोस्ट हो रहा है, होने दो फिर मैं दिखाती हूँ। तो गाइस ये देखना, अगर आपको दिख रहा होगा मैं जूम करके दिखाती हूँ, ऐसे स्किन इसका पूरा निकल जाएगा। तो ऐसे स्किन निकलेगा मतलब इट हैज़ स्टार्टेड कुकिंग। तो और एक चीज़ ऐसा मैं आपको बोली थी, नाइफ है ना, इसको आप ऐसे अंदर डालोगे, ये देखो सी, तो ये इसका मतलब है ये कुक हो रहा है। तो ऐसे हम अभी देखो, मैंने ये सिम करके आपको बता देती हूँ, मैंने ये साइड रोस्ट अभी करने रखा है, इधर हो गया, ये देखिए सारा स्किन निकल रहा है मतलब रोस्ट हो गया। अब हम ऐसे रोस्ट करते हैं उसको, ये रोस्ट हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और जब यह हल्का सा गर्म होता है तभी आपको स्किन पील ऑफ करना है, यू कैन टच वाटर एंड रिमूव द स्किन। तो गाइज ये हमारा पक गया है, जैसे मैंने आपको बताया सब जगह से इसका स्किन निकल रहा है, ये देखिए। तो अब हम इसको ऑफ कर देंगे और हल्का सा वार्म होने देते हैं। तो मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और इसको एक वार्म होने रख देती हूँ, फिर मैं कैसे पील करना है वो आपको दिखाती हूँ। तो गाइज़ ये देखिए धुआं निकल रहा है अभी भी। तो ऐसे हम एक बाउल में पानी लेंगे, उसको ऐसे फिंगर को डिप करेंगे और ऐसे पील करते जाएंगे। बहुत आसानी से पील हो जाता है जब वो पक गया रहता है, बैंगन जब पक जाता है तो बहुत आसानी से निकल जाता है ऊपर का स्किन। इतना ही है कि थोड़ा गर्म होता है, आप वार्म निकालोगे तो जल्दी जल्दी वो निकल जाता है, बाद में फिर प्रॉब्लम होती है। बस ऐसे करके हमें सारे ये बैंगन को पील कर लेना है। मैं पील करती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइस हम लोगों ने पील कर लिया है, आप देख सकते हो। अब इसका जो ऊपर का दंडा है उसको आप कट कर लो, बस अब ये पूरा निकाला हुआ आपको फेंक देना है। एंड ये बैंगन जो है वो अपने आप में तेल छोड़ता है, तो आप इसको चॉप कर लो बस अच्छे से। बस अभी इसका हम जो बेस है वो रेडी करेंगे, इसको चॉप कर लिया, अब हम कढ़ाई चढ़ा देंगे। और इसमें अगर बीच बीच में थोड़ा सा होता है दैट्स ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमने चॉप कर लिया है, अब हम कढ़ाई चढ़ा। तो गाइस मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, उसमें 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है, इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा जाता है। तो हम अभी जीरा लेंगे,
गर्म हो, थोड़ा गर्म हो नमक। वन फोर्थ टी स्पून ऑफ जीरा, और मैंने ऐसे रफली चॉप कर लिया है गार्लिक को एंड ग्रीन चिलीज को एंड फाइनली चॉप्ड ओनियन, तो हम अभी वो डाल देंगे। इसको हम थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होने देंगे, फिर हम इसमें टमाटो ऐड करेंगे। तो अब इसको मैं ट्रांसपेरेंट तक फ्राई करूँगी। ठीक है, इस स्टेज में हम डालेंगे थोड़ा सा हींग। हम इसको सॉटे करेंगे। इसे और थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे फ्रेंड्स। तो गाइस ये ओनियन अभी यहाँ पे फ्राई हो गया, इतना इसमें हम टमाटो को फाइनली चॉप टमाटो ऐड करेंगे। आप जितना फाइन हो सके उतना फाइन आप टमाटो और ओनियन चॉप कर सकते हो। एंड इसके साथ हम थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे ताकि ये दोनों जल्दी पक जाए, टमाटो भी जल्दी पक जाए। टमाटो को अच्छे से हमें मशी करना है, मतलब ये ओनियन एंड टमाटो दोनों एक साथ एकदम अच्छा एक ग्रेवी बेस दे दे हमें। अभी हम इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे और इसे हम मशी होने तक पकाएं। तो गाइज अभी ये मैं बंद कर रही हूँ, बीच बीच में आपको चलाना है। अब इसको हम मीडियम में रख के पकाएंगे, सिम में नहीं, मीडियम में। सिम में रखोगे तो टाइम लगेगा, तो मीडियम में आपको इसको पका के इसको स्टार करते रहना है। फिर हम हमारे सारे ड्राई मसाला ऐड करेंगे। इसको पहले थोड़ा सा पक जाने दीजिए। तो गाइज अब हम इसको ओपन करके देखते हैं। मैंने बीच में एक बार चला लिया था, आप भी चला लेना। देखिए इस स्टेज में हम अब इसमें डालेंगे हमारे ड्राई स्पाइसेस। सबसे पहला जाएगा हल्दी, दैट इज 1/4 टीस्पून। धनिया पाउडर जाएगा 1 फुल स्पून। रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून। ये सब मैंने ये स्पून के अकॉर्डिंग डाला हुआ है। अब हम इसको मिक्स करेंगे। और अभी मसाला डालने के बाद आपको इसको सिम में पकाना है। टमाटो अपना पानी छोड़ेगा तो मसाला जलेगा नहीं अपना, बट मीडियम में नहीं, सिम एंड बीच में आपको स्टर करना है। बिकॉज मसाला अगर जल गया ना तो पूरा टेस्ट आपका बिगड़ जाएगा। तो अभी हम सिम में रखेंगे इसको और बीच में स्टर करते हुए पकाएंगे। तो गाइज ये हम अब खोलेंगे, मसाले की अच्छी खुशबू भी आ रही है और तेल भी निकलने लगा।
बस ये देखिए, मैंने बोला था ना आपको मसाला जलेगा नहीं क्योंकि टमाटो अपना तेल पानी छोड़ते हैं, तो सब मिक्स हो, सबको एक साथ ऐसे आप स्मैश कर लो अच्छे से। जितना अच्छा ये बनेगा ना, मतलब ग्रेवी टाइप, उतना अच्छा आपका तो गैस धनिया होगा तो आप ज़रूर डालना, स्टार्टिंग में भी डालना, इस स्टेज में भी डालना और लास्ट में भी डालना। तो हम इसमें ऐड करेंगे अभी हमारा बैंगन, और गैस इसी के साथ हम डालेंगे सॉल्ट, जितना ज़रूरत है उतना सॉल्ट जो लगता है अभी के लिए इतना काफ़ी है। एंड ऊपर से थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हम डालेंगे गरम मसाला, से अराउंड 1/4 teaspoon, ये देखिए बस। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, तो गाइस अब इस स्टेज में भी थोड़ा कोरिएंडर लीव डाल सकते हो, स्टार्टिंग में जब हमने डाला था तड़के के वक्त भी एंड जब मसाले भून गए थे तभी भी आप डाल सकते हो। अब इसको हम एकदम सिम में रखेंगे, ढक्कन रखा के इसको बीच बीच में स्टर करते हुए एग्जैक्टली 5 मिनट्स तक पकाएंगे, बट बीच में आपको स्टर करना ज़रूरी है। गाइस अब हम इसको ओपन करेंगे और अभी 5 मिनट हो गया, ये देखिए साइड में आपने देखा ना कैसा तेल छूट गया, बस हमारा बैंगन भरता इज रेडी गाइस। अब इसमें एक लास्ट चीज़ है जो मैं डालती हूँ क्योंकि मेरे घर पे लोगों को बहुत पसंद है, तो मैं वो ऐड करने जा रही हूँ। अब इस स्टेज में आप धनिया पत्ता, भरपूर धनिया पत्ता, अब बंच या तो हैंडफुल एकदम फाइनली चॉप करके डाल सकते हैं। तो मेरे घर पे पीनट पाउडर पसंद है, ये कोर्स वाला नहीं है, फाइन ऐसे पाउडर क्या है, देखिए दिख रहा है आपको, कोर्स उनको ज़्यादा पसंद नहीं आता है, थोड़ा ऐसे पसंद आता है, तो वो मैंने 2 teaspoon ऐड किया। इसको ऐसे मिक्स कर देंगे, पीनट डालने के बाद पाउडर, मैं इसको 1-2 मिनट वापस रख दूँगी ताकि पीनट भी थोड़ा ऑयल छोड़ दे अपना, वो भी इसके साथ मसाले के साथ कुक हो जाए। तो गाइस ये ऑप्शनल था, मैंने ऐसे बनाया पीनट पाउडर डाल के, आप उसको नहीं डालना चाहते हो तो नहीं डाल दें। तो गाइस इसको 2 मिनट छोड़ देती हूँ मैं सिम करके, फिर आपसे मिलूं। गाइस ये हो गया 2 मिनट और हमारा बैंगन भरता इज रेडी, देखिए तब हम इसको सर्व कर लेंगे और बैंगन भरता इज रेडी। हे गाइस ये देखिए हमारा बैंगन का भरता रेडी हो गया, तो इतना डिलीशियस जमी बैंगन भरता इज रेडी। तो गाइस आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू ट्राई दिस रेसिपी, डू शेयर लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड कमेंट्स लिखना ना भूले, एंड बाजू में सब्सक्राइब बेल बटन जो है उसको प्रेस करना, तो जो भी नए वीडियोज़ मैं डालती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सी यू सून विद अ न्यू रेसिपी गाइस, बाय।